कहना चाहूंगा, ये जो विजेंदर है ये 10th क्लास तक मेरे साथ पढ़ा हुआ है मेरा। ये उनका बेटा है, ये उसका बेटा। खेलो खेलो खेलो, आ जाओ तो पढ़ लो ना। राजस्थान के शहीदों को आज आखिरी विदाई, घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। बेखबर पिता खेत में काम कर रहे थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के दो जवान विजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरुका शहीद हो गए हैं। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की फायरिंग में दोनों शहीद हो गए थे। दोनों की पार्थिव देह आज खेतड़ी के मुरादपुर पहुंचेगी। यहां से उनके गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पताल में देर रात को पोस्टमार्टम के बाद हवाई मार्ग से दोनों की पार्थिव देह आज सुबह 10:15 पर जयपुर लाई गई है। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सेना के अधिकारियों ने चक्कर अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सल्यूट किया। पिता खेत में कर रहे थे काम, बेटे की शहादत की खबर मिली। विजेंद्र के पिता और माता और पत्नी बुधवार सुबह तक उनके शहीद होने की खबर नहीं मिली थी। शहीद का छोटा भाई दशरथ सिंह मंगलवार शाम को डुमोली पंचायत भवन में अपने साथियों के साथ रुका हुआ था। गांव आने वाले लोगों को भी घर नहीं जाने दिया गया। दशरथ सिंह बुधवार सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए टेंट का सामान लेकर पहुंचा। इस दौरान पिता घर के पास ही खेत में काम कर रहे थे और माँ और पत्नी घरेलू काम कर रही थी। घर के बाहर टेंट लगा तो पिता ने बेटे दशरथ से पूछा। इस पर दशरथ खुद को रोक नहीं पाया और पिता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। बेटे के शहीद होने की जानकारी मिलते ही पिता रामजी लाल जोर जोर से बिलखने लगे। पत्नी अंकिता और माँ धोली देवी भी बिलखने लगी। विजेंद्र के पिता रामजी लाल अपने बेटे को याद कर कर रो रहे थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि बेटे ने अपना काम किया, वो देश के लिए लड़ा और ये कहते हुए रो पड़े। बार बार बेहोश हो रही है वीरांगना। शहीद के मासूम बच्चे विहान और किहान को तो पता ही नहीं है उनके पिता नहीं रहे। पिता की शहादत से बेखबर मासूम बच्चे घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं। शहीद विजेंद्र सिंह की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है, बार बार बेहोश हो रही है। पत्नी को महिलाएं संभाल रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से घर पर दो डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है। आपको बता दें कि मुरादपुर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पत्रकार महोदय, कहना चाहूंगा, ये जो विजेंद्र है ये 10th क्लास तक मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरा सहपाठी था। उसका स्वभाव बड़ा ही विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था और 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। लगभग 2.5 साल से RR में पोस्टेड था और जब भी वो यहाँ गांव में आता था तो बच्चों को मोटिवेट करता था। बहुत ही अच्छे आदर्श वाला लड़का था। हमको भी वो सलाह देता था कि भाई मैं तो सेना में भर्ती हो गया और आप लोगों को भी, आप अपने से जो छोटे हैं उनको भी सेना की तैयारी करनी चाहिए। रही बात उनकी पार्थिव देह की, तो उनकी पार्थिव देह अभी जयपुर से चल पड़ी है। कुछ ही देर में 2-3 घंटे के लगभग सिंघाणा में आ जाएगी। पूरे गांव को बड़ा गर्व है इस चीज़ पे कि हमारे गांव का लाल देश सेवा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। काम के लिए तैयारी करा था सर, उसे पढ़ा जब से वो आपका कर दिया शहीद होगा, मेरे इसलिए गर्व है उसका। और वो आपका काम करा, खूब कोशिश करा, अपने शहीद होगा। उसको खिलाया था, पिलाया था, भर्ती करवाया था तो जब से उसका वही रुचि था। मैं भर्ती हूँ देश के लिए। ये उनका बेटा है, ये उसका जी। गत जो 15 जुलाई शाम को रात लगभग 9 बजे के आसपास जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में घटना हुई है, उसमें हमारे गांव के लाडले वीर सपूत विजेंद्र जी द्वारा था शहीद हुए हैं। उनकी तिरंगा यात्रा को लेकर जो सिंघाना से डुमोली के वीर शहीद के घर तक है, कंप्लीट जो गांव है, दोनों गांव हैं या आसपास के जितने भी गांव हैं उनके अंदर बहुत ही जोश है उसकी स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए। और पूरे रास्ते को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर उनकी जो बलिदान है, उनकी जो संजीवनी है,
वो उनके प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर रगों में दौड़ रही है। हमारा प्रत्येक ग्रामवासी उसके उनके जोश के लिए और उनके तैयार के लिए उनके स्वागत के लिए जो है एक जोश के साथ में लगा हुआ है। कल कुछ तैयारियां भी नहीं हुई थी, रास्ते भी नहीं साफ थे, अब क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि जेसीबी जो है लगभग शायद अपने डुमोली स्टैंड से लेकर वीर शहीद के घर तक 10 से 12 जेसीबी जो है प्रत्येक रास्ते को तैयार करती हुई आ रही है। कहीं झाड़ियां हैं, कहीं पानी था, उसको साफ करते हुए आ रहे हैं उनको साफ करने के लिए। अब बच्चे जो तिरंगा यात्रा आएगी उसकी किस तरह से तैयार? देखिए, खूब सारे निजी स्कूल्स हैं या फिर गांव के भी यूथ जो हैं वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं। जेसीबी से पुष्प वर्षा का प्रोग्राम रखा गया है। हमने भी स्कूल में जो है वहां बाहर एक जेसीबी लगा करके और उसमें पुष्प रख के और बच्चों के द्वारा पुष्प वर्षा करने का प्रोग्राम है।